डायलॉग चल रही है कि मैंने 25 टन अनाज लाया ना 15 टन 15 लाख का अनाज लाया, तो कहाँ गया फिर गरीब बेचारे? क्यों फोन कर रहे हैं यहाँ वहाँ? हमारा शहर का आमदार जो मालक मंत्री जो बीमार है, अगर वो आज रहते तो उनसे हम लोग चढ़ते और चावल से पेट भरेगा क्या? ना दाल है ना तेल है। पहले इन्होंने कहा कि हर चीज दिया जाएगा, क्यों नहीं दे रहे आप? जिनका कुछ नहीं है उनको हेल्प नहीं कर रहे, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? नियत रखो, अल्लाह ताला खुद असबाब बनाता है। दूसरा, मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेहरबानी करो कि आप एक केला दे रहे हो, एक इतना सा चावल दे रहे हो और फोटो बना रहे, मत करो ऐसा, ये अल्लाह को नागवार गुजरता है। मतलब हमारे ही भाई थे, कुछ उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अरे मेरे भाई, आप अल्हम्दुलिल्लाह आप साहिब ऐसी है तो करो, दिल खोल के करो, इसमें फोटो की जरूरत नहीं, फोटो तो वो ले रहा है। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स और इस वक्त जो है हम मुमरा में है, मुमरा में जो है और रसीद कंपाउंड के इलाके में है। लॉकडाउन के बीच बहुत से ऐसे लोग अभी भी परेशान हैं और इस बीच जो है लोग किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो नगर सेवक हों चाहे वो समाज सेवक हों, किस तरह से मदद कर रहे हैं, लोगों की हेल्प किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन ये एक दिन का नहीं, दो दिन का नहीं, बल्कि लगभग जो है एक महीना बीत चुका है और 3 मई तक अभी रहेगा और आगे भी बढ़ सकता है, जो संदेश जो अंदेशा लगाया जा रहा है जिसका। और इसी के साथ जो है हम ये भी बात करेंगे कि इस पिछले कई दिनों से यानी 2-3 ऐसे मामले लेकर आए हैं आपके सामने, जो इस बीच मेहनत कर रहे हैं लोग, उनकी हौसला अफजाई होनी भी चाहिए क्योंकि वो अपनी जान की बाजी लगाकर वो लोगों के बीच हैं। इसी तरह से आज शाह आलम आजमी साहब से हम बात कर रहे हैं, जो है वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने वार्डों में, अपने इलाकों में लोगों की किस तरह से समस्याएँ वो सुलझा रहे हैं, हम उनसे ही जानते हैं। तो आप जिस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या सबसे ज़्यादा समस्याएं सामने आ रही है इस एक महीने के लॉकडाउन के बाद जो बीत चुकी है, एक महीना लॉकडाउन, उसके बीच में जो है आपको किस तरह से लोगों की समस्याएं सामने आ रही है? देखो फिरोज भाई, जिस तरीके की हालात बनी हुई है, जैसे कि मुमरा कोई गरीबों का शहर है, कोई ज़्यादा अमीर यहाँ रहते नहीं, रोज़मर्रा रोज़ कमाना रोज़ खाने वाले लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ में आ गए बेचारे हमारे जो रिक्शे ड्राइवर थे और जो रोज़ का दिहाड़ी के काम करने वाले लोग थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं रिक्शा ड्राइवर जो हैं जहाँ जहाँ उनके घर तक एक टाइम का खाना मैं बना के पहुँचाने लगा। और हालात ऐसे आ गए कि आज जो नौकरी है ही नहीं, काम धंधे बंद है लोगों के, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा समस्या आ रही है ना कि मिडिल क्लास आदमी भी आज बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो बेचारे अपना हाथ नहीं फैलाते कहीं, ऐसे लोग को ढूंढ ढूंढ के मैं दे रहा हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम की मदद करे, यही कोशिश कर रहा हूँ भाई। अभी तक कितने ऐसे लोगों को आपने जाके मिला है और कितने ऐसे लोगों को आपने राशन पहुंचाया है जिनके परिवार जो है अब वो खुशहाल हैं इस लॉकडाउन के बीच? भाई पहले तो मैंने एकदम स्टार्ट में मैंने 70 किट बनाया था, जो खुद मैं घर घर जाके जो बेवा हैं आज जिनके कमाने वाला कोई नहीं, उनके घरों में बच्चे हैं, मैं उन तक पहुँचाया था। उसके बाद अभी ये मैंने कल फिर एक किट ये बना रहा हूँ इंशाल्लाह ताला अल्लाह की दुआ से 300 लोग की, जो मैंने सारे लोग का नाम लिख के लाया हूँ खुद। मैं रात में निकलता हूँ, रात में जाके लोगों के घर घर जाके उनका नाम लिखता हूँ, उन किसी को मैं कूपन नहीं बांटता हूँ ना मैं किसी को बुलाता हूँ मेरे घर पे कि आप लोग लाइन लगाओ, मेरा वो काम नहीं, मेरा काम है उनके घर तक पहुँचाना, ये मेरा जिम्मेदारी मेरा। या आप लोगों के बीच जाते हैं, मतलब लोगों के घरों में जाकर जो है लोगों को ये जानकारी हासिल करते हैं किसके घर में अनाज है या नहीं है? हाँ जी, मैं उसी तरीके से जाता हूँ कि किसके घर में अनाज है किसके घर में नहीं है। ऐसे लोग का कुल मिला के मेरे पास 300 लोगों का नाम हुआ। सैनिक नगर में बहुत बड़ा इलाका है मुमरा, मैं जिस इलाके में रहता हूँ मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक का मैं अल्लाह के करम से मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ जो ज़रूरतमंद थे, और उनके लिए इंशाअल्लाह ताला आज रात में अल्लाह चाहेगा तो वहाँ तक मैं पहुँचूँगा। लेकिन शाह आलम भाई, आप जो है नगर सेवक हैं, MIM से पहली बार आपने चुनाव लड़ा और पहली बार आप जीत भी गए, काफ़ी बड़ा इलाका है आपका, तो कैसे कर पा रहे हैं और 4 का पैनल है? देखिए, ये मैं राजनीति के हिसाब से इस काम को नहीं कर रहा हूँ, या 4 के पैनल से मैं इतने सोच के कर रहा हूँ कि मुझे मरने के बाद मुझे जवाब देना है मेरे अल्लाह को। जो लोग भी आ रहे चाहे किसी भी पार्टी का, मेरे से उससे कोई लेना दे, क्या गैर ईमान जो हमारे यहाँ आदिवासी लोग रहते क्या वो मुझे वोट देंगे? नहीं देंगे। लेकिन मेरा फ़र्ज था, मेरा अल्लाह मेरे को उनके बारे में पूछेगा, मैं स्पेशल फिरोज भाई उनके लिए एक डेग स्पेशल पकाता था खाना सिर्फ उन आदिवासियों के लिए, और सबसे पहले मैं खाना वहाँ तक पहुँचाता था। तो मैं मेरे वार्ड से लेके मैं पैनल की बात जो मेरे तक आ रहा है, जहाँ तक मुझसे होता है 2 रुपये की ज़रूरत मैं पूरी कर सकता हूँ, मैं इनकी सिर्फ ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ, पेट मेरा अल्लाह ही भर सकता है, उनकी थोड़ी सी आग बुझा सकता हूँ, यही कोशिश कर रहा हूँ।
कि अल्लाह ताला मैं उन तक पहुंचूं जिनको एक टाइम खाना नहीं मिल रहा था, तो कम से कम एक टाइम मेरे हाथ से कुछ पहुंच जाए उस गरीब तक। भेदभाव नहीं कर रहे, मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं, आपको आप जो है एक तरफ से एक नज़र से देख रहे हैं लोगों को, जिस जो हो सक रहा है आपसे वो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो आप हेल्प कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, जो मदद करने की जो राशि है वो तो काफ़ी लंबी चौड़ी है आपकी, लेकिन कैसे कर पा रहे हैं आप? तो और कोई इसमें मतलब आपका मैं साथ दे रहा कोई एनजीओ है? कोई एनजीओ नहीं है, मेरा एनजीओ मेरी परिवार है और मेरे रिश्तेदार है। मैं अपने भाई भतीजे और रमजान में ज़कात निकालना, मैंने अपने भाइयों से अपने भतीजों से इनसे मैंने बोला सब हम लोग अपन घर से करेंगे। मैं किसी आप पता कर सकते हो पूरे मुमरा कौसा में किसी एनजीओ से मैंने 5 रुपया नहीं लिया, ना मैंने 5 किलो चावल किसी से लाया। 32 दिन तक मैंने खाना पकाया मेरे अल्लाह ने यहाँ पे, 32 दिन तक मेरे रिश्तेदार मैं मेरा घर हम ही लोग लाते थे, मैं ही लाता था और पकाते थे और बांटते थे हम। मैं किसी एनजीओ से नहीं लेके आया हूँ। अच्छा, मतलब किसी एनजीओ से आपने नहीं लाया है? नहीं। जो कुछ भी आपने आपके पूरे घर से ही परिवार से ही किया है आपने। हाँ, अभी किस तरह से हिम्मत बनी हुई है आपकी? अभी भी हिम्मत है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह देखो नियतों पर सारा दारो मदार रखा है अल्लाह ने। नियत रखो अल्लाह ताला खुद असबाब बनाता है। मेरी ताकत नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह की मदद है मेरे साथ में और मेरा अल्लाह असबाब बनाते जा रहा, मैं करते जा रहा हूँ लोगों तक, बस यही मेरी कोशिश है। मतलब आपकी हिम्मत अभी भी है, और ऐसे में जो है रमज़ान का महीना चल रहा है शालम भाई, जो लोगों की काफ़ी तकलीफ़ है, काफ़ी परेशानियां हैं, तो ऐसे में उनको रमज़ान के लिए किस तरह से आपकी तरफ से है? देखिए मेरे को अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि मैंने लोगों से कहा कि जो एक टाइम हम लोग खाना भेज रहे थे तो रमज़ान की चांद रात तक मैंने बनाया खाना। अब जब रमज़ान आने के बाद कल से मैंने किट बनाना चालू किया, और पहला मैंने 70 किट बनाया था, अभी फिर मैं 300 किट बना रहा हूँ, जो उन तक भेज रहा हूँ, उन तक ला के दे रहा हूँ जिनके पास जिनके घरों में मेरे खाने जाते थे। इसका मतलब है कि मुझे मालूम है कि वो लोग ज़रूरतमंद है, तो मैं वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। और रमज़ान का महीना देखो अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, वही असबाब बनाता है, लोगों के पास पहुँचा रहा है। मैं इन लोगों से मेरी ये गुजारिश अपने गरीब भाइयों से कि अल्लाह से मदद मांगो, ये रमज़ान का महीना अल्लाह से दुआ करो, और अल्लाह किसी को भूखा नहीं सुलाता, तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से असबाब बनाएगा। रहा दूसरा, मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेहरबानी करो कि आप एक केला दे रहे हो, एक इतना सा चावल दे रहे हो और फोटो बना रहे, मत करो ऐसा, ये अल्लाह को नागवार गुजरता है। मतलब ये मुमरा में हो रहा है, मतलब कि जो है वो 2-4-10 किलो गेहूँ चावल देकर फोटो खींच कर वाहवाही कर रहे हैं लोग, तो ऐसा चल रहा है मुमरा में? नहीं, तो अभी जैसे कि मैंने आप ही के उस पर देखा था एक चैनल पर, हमारे ही भाई थे कुछ, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अरे मेरे भाई, आप अल्हम्दुलिल्लाह आप साहिब ऐसी है तो करो, दिल खोल के करो, इसमें फ़ोटो की ज़रूरत नहीं, फ़ोटो तो वो ले रहा है। आप एक फ़ोटो लेते हो जब फेसबुक पर डालते हो, हज़ारों लोग देखते हैं, उस इंसान के दिल में क्या गुजरती होगी। तो मैं देखो, आपने मुझसे इतनी गुजारिश इतना बोला कि मतलब फ़ोटो, तो मैंने एक फ़ोटो नहीं निकाला, मैं 32 दिन खाने का और बाकी दिन जो खाना बना रहा बांट रहा हूँ, इसका मैंने कोई फ़ोटो नहीं निकाला, ना मैं फ़ोटो निकालने दिया किसी को। आपने फ़ोटो निकाला ही नहीं? नहीं, एक फ़ोटो आपको बता दो, एक भी फोटो आप देख लो, 23 तारीख से लेके आज की तारीख तक मेरा फेसबुक चेक कर सकते हो आप कि ये जो खाने का काम कोई मेरा फोटो नहीं है, आप चेक कर लीजिए। हाँ, क्या कहेंगे आप जिन लोगों तक आप नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ये इलाका काफ़ी बड़ा है, 4 का पैनल है, अभी लोग जो है परेशान हैं कि किसके पास जाएं। पहले ऐसे था कि एक नगर सेवक होता था, अब 4 नगर सेवक है, अब उनकी चप्पलें घस जा रही हैं, तो ऐसे में जो है उनको ना इधर से कुछ मिल रहा है ना उधर से कुछ मिल रहा है। मैंने देखो, मैंने रेहान भाई से मेरी मुलाकात हुई थी आज से कम 20 दिन पहले। हाँ। तो मैंने उनसे कहा था कि रेहान भाई क्या कर रहे हो आप लोग यार, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमने 25 टन अनाज लाया। हाँ। तो मैं बहुत खुश हुआ, चलो अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके के लोग हैं, तो मैं रेहान भाई, राजू भाई और कमरुल हुदा MIM से हमारे 1-2 नगर सेवक हम थे और 2 NCP, तो मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी है भाई, जिससे हो रहा है आप लोग अपने इलाके में करिए, मत किसी से फ़ोटो निकालिए, कम से कम उन तक पहुंचाओ, उन तक अनाज पहुंचाओ, जो तुमसे हो रहा हो करो। सिर्फ डायलॉग यहाँ तो चल रही है ना, डायलॉग चल रही है कि मैंने 25 टन अनाज लाया ना 15 लाख का अनाज लाया, तो कहाँ गया फिर? गरीब बेचारे क्यों फ़ोन कर रहे हैं यहाँ वहाँ? आप ही नहीं, आपकी इधर से आया था श्रीलंका से, देखे थे कि पब्लिक रोड पर उतर गए थे जिनको एक टाइम खाना नहीं मिल रहा था, और मैंने यहाँ तक सुना था कि वहाँ 9,000 पैकेट खाना रोज़ जा रहा था। अगर 9,000 पैकेट जा रहा था तो गरीब बेचारे कैसे भूखे रह गए? या तो आप लोग सिर्फ एडवर्टाइज अपना मतलब नाम के लिए तादाद बढ़ा के बता रहे, हकीकत ज़मीनी लेवल पे क्या है वो सारे लोग आपको मालूम पड़ गया होगा उस दिन,
जिस दिन सारे लोग रोड पे उतर के आए थे लेबर तबका का लोग, तो मैं इनसे यही कह रहा हूँ कि आप 9000 नहीं 9 आदमी को खाना खिलाओ, सिर्फ 9000 तक, 9 जन तक पहुँचाओ, बाकी अल्लाह करने वाला तुम्हारी नीयतों के ऊपर है सारा दारोमदार। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 10000 आदमी को खिला लूँगा, मेरी औकात नहीं है। ऐसे में मतलब 4 नगर सेवक में से कौन, कितने नगर सेवक काम कर रहे हैं? एक आप हैं जो कर रहे हैं, आप जो जमीनी स्तर पर जो दिखावटी में नहीं है, आप अंदरूनी हैं, बाकी ऐसे और कौन नगर सेवक है जो काम कर रहे हैं? देखो राजू अंसारी का भी नाम मैं सुन रहा हूँ, रेहान पित्तल वाले का था, तो रेहान पित्तल वाला अगर ये होते, रेहान पित्तल वाला खुद ही मैं सुना शायद वो क्वारंटाइन है, अल्लाह उसको, मैं तो ये दुआ करूँगा अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और जल्द से जल्द वो अपने घर अपने परिवार में आए, तो मैं उनके बारे में सुना था। तो अगर वो तक भी अगर पहुँचा रहे हैं तो फिर इतना हाहाकार नहीं मचना चाहिए लोगों का, क्योंकि श्रीलंका से मुझे रसीद कंपाउंड में, रसीद कंपाउंड में बीच में जो पब्लिक निकली थी लॉकडाउन से मतलब बढ़ाने से पहले जो एक दिन जो निकली थी लोग, तो मतलब क्या वजह रही है वो निकलने की? जैसा उसमें बता रहे थे कि उनको राशन वगैरह नहीं दिया गया, इसमें मुमरा के अंदर ऐसा हो रहा है कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस बीच जो है लोगों ने अपना अपना हद लिया था, एरिया लिया था कि ये एरिया में ये काम करेंगे, ये एरिया में ये राशन पहुँचाएंगे, लेकिन हुआ क्या? तो फिरोज भाई मैं आपसे यही बोल रहा चाह रहा हूँ, आपको ये पूछ दो, आप खुद सोचो कि जब आप बता रहे हो ना कि एरिया बटा था, एनसीपी के लोगों ने एरिया बांटे थे, तो क्यों नहीं मतलब फिर वो 9000 पैकेट जो जा रहा था रेहान भाई के खाते से, तो लोगों तक क्यों नहीं पहुँचा, क्यों लोग रोड पे उतरे? जो रोड पे उतरे थे ये वही कारण था कि उनको राशन नहीं, अगर उनको पहुंचता था या उनको एक टाइम दो टाइम खाना, दो टाइम जब उनके यहाँ खाना जा रहा था, मैंने सुना कि 9000 पैकेट वहाँ जा रहा था, तो अगर दोनों टाइम गरीब को खाना मिलता तो क्यों रोड पे पुलिस की लाठी खाने आएगा कोई, या कोई क्यों इतने 2000 किलोमीटर पैदल जाएगा? आप बताओ ना, जब उनको नहीं मिल रहा था तभी तो वो लोग ने ये किया और नीचे उतरे थे कि भाई हमारे या तो हमें टिकट दो या हमें खाना दो, मैंने यही सुना था। इतना बड़ा ये लोग लंगर चलाए थे तो लोगों तक पहुंचना चाहिए था, या तो इन्होंने सिस्टम नहीं बनाया, इनके लोगों ने सिस्टम से काम नहीं किया। मैं छोटा मोटा कर रहा हूँ, मेरा कैसा सिस्टम चल रहा है ना, लोगों तक जाओ ना तुम। यहाँ देखो लोगों ने बहुत, मैं तो यहाँ तक देखा कि लोग आधार कार्ड देख के लोगों को खाना दिए, लोगों को बुला के अपने ऑफिसों पे 4-4 दिन 5-5 दिन सुबह में धूप में खड़ा कराए। मैं नहीं ये सब पसंद करता मतलब। अभी ये भी एक फ़ोटो, एक दिन ये खबर आई थी कि फ़ोटो भी आया था कि मतलब जो है वहाँ पर ऐसा था कि जिसके पास वोटिंग कार्ड है, जिसके पास आधार कार्ड है, जो यहाँ का रहवासी है, उसको कुछ नगर सेवक हेल्प कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, और जिनका कुछ नहीं है उनको हेल्प नहीं कर रहे। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? बिल्कुल, इसीलिए हम जब मैं खुद गया था कलेक्टर से मिला, तो मैंने कलेक्टर से बात किया कि सर हम जिस तरीके से सरकार ने बोल दी कि भाई सबको अनाज दिया जाएगा, सरकार खाली बोल दे रही, झूठों की सरकार बैठी है। अगर वो राशन दी होती 3-3 महीने का, आज से एक महीना पहले उन्होंने किया कि 3 महीने का राशन दिया जाएगा, तो क्यों नहीं लोगों तक राशन मिल रहा? इन्होंने क्या किया कि बोले सबको राशन देंगे। अब राशन के कोटे पे वही राशन ये लोग भेज रहे हैं जो लोग के हर महीने का राशन सरकार से आता था। तो मैंने कलेक्टर से बात किया कि सर आप आधार कार्ड देख के राशन दो, जिनके पास कुछ नहीं उनको, जिस तरीके से राशन कार्ड वाले को 15 किलो आप दे रहे थे, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं उनको 5 किलो दिया जाए। वो इंसान नहीं है, वो हमारे देश का रहवासी नहीं है, उसको भूख नहीं है। ये तो राशन कार्ड का तो समस्या जो है वो सालम भाई वो तो है ही है सामने, कि राशन कार्ड जिसके पास है उसी को मिल रहा है, जिसके पास नहीं है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन ये नगर सेवक भी भेदभाव कर रहे हैं कि शायद उनको वोट लेना है, वो आईडी कार्ड देख रहे हैं कि ये यहाँ के रहवासी हैं क्या, फिर उसको हेल्प कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने भी सुना। लेकिन फिरोज भाई आप चैनल, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में पता कर लेना पूरे पैनल में, क्या छोड़ दो पूरे मुमरा से, कि कोई भी मेरे पास आया और मैंने उससे ये पूछा होगा कि आप रहते कहाँ, आपके पास आधार कार्ड है, आपका वोटिंग लाइन, एक आदमी लाके खड़ा करना, एक आदमी, और जो सजा देना चाहे आप लोग दे सकते हो, या किसी इंसान की जरूरत पूरा कर देगा, सिर्फ जरूरत पूरा करना वो रब्बुल आलमीन है। तो उसके लिए आपने मतलब कहाँ आवाज उठाई, जो है आपने मांग की थी जो 5 किलो चावल दिया जा रहा है, सिर्फ चावल, चावल से पेट भरता है क्या खाली? मैं भी वही, सिर्फ चावल ही कोई खाएगा सरकार? मैं भी कलेक्टर के पास गया था, मैंने कलेक्टर से मांग किया, बीच में आप गए थे कलेक्टर के पास, आप बीच में कलेक्टर के पास गए थे, आपने आवाज उठाई सिर्फ 5 किलो चावल ही खाएगा? उन्होंने कहा कि मतलब चावल आटा दाल शायद ये कि 1 तारीख या 5 तारीख के बीच में आने वाला। अब ये कौन कर सकता है? नगर सेवक कर सकता है कि हम तो छोटे नगर सेवक, हम जाके अपने महानगर पालिका तक, हमारा शहर का आमदार जो मालक मंत्री जो बीमार है, अगर वो आज रहते तो उनसे हम लोग चढ़ते, या आवाम के बारे में कहते कि भाई आप जाइए कैबिनेट से वहाँ बात कीजिए स्टेट गवर्नमेंट में। अभी तक एक 5 किलो चावल बिना राशन कार्ड वाले को नहीं दिए लोगों ने,
और चावल से पेट भरेगा क्या? ना दाल है ना तेल है। पहले इन्होंने कहा कि हर चीज़ दिया जाएगा, क्यों नहीं दे रहे आप? अब मैंने तो यहाँ से सुना कि 75,000 मैट्रिक टन अनाज सरकार के गोडाउन में पड़ा है, सरकार इसी आपदा के लिए जमा करती है ना, क्यों नहीं बांट रही सरकार? क्यों नहीं केंद्र सरकार से राज्य सरकार मांग रही अपनी? अच्छा, उस दिन जब आप कलेक्टर से मिलने गए थे, जिला अधिकारी से मिलने गए थे, तो उसमें जो है मांग आपकी क्या क्या थी, शर्तें क्या? मेरी तो उस वक्त की शर्तें थे, देखो जिस हिसाब से हमारे यहाँ के हालात थे, राशन की दुकान का, हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल पूरे हॉस्पिटल मुमरा के बंद पड़े हुए थे, तो हमने कलेक्टर से ये मांग की थी कि यहाँ का हॉस्पिटल चालू किया जाए और राशन, जो राशन आ रहा है कलेक्टर का, वो राशन कहाँ आ रहा है और कहाँ बट रहा है उसकी पूरी माहिती दीजिए। उसके लिए मैं गया था, उससे बात किया। और स्कूल की फीस को लेके जिस हालात चल रहे हैं, 6 महीने का, तो अभी जो महीने 2 महीने के बाद स्कूल खुलेगा, ये 2 महीने के बाद जब स्कूल खुलेगा तो गरीब बेचारे कहाँ से अपने बच्चों की फ़ीस भर पाएंगे? तो मैंने कलेक्टर से मांग की थी कि सर आप एक सर्कुलर पास करें कि स्कूल के लिए कि 6 महीने तक किसी भी स्कूल को फीस ना लिया जाए बच्चों से, और ना ही किसी स्कूल के ट्रस्टी या जो वो हैं उनसे 1 रुपया डोनेशन लें। ये मेरी मांग थी कलेक्टर से। अच्छा, ये मांग थी आपकी कलेक्टर से। लेकिन अब ऐसे में जो है, एक बार फिर मैं बोलता हूँ कि रमज़ान का महीना चल रहा है, फिलहाल हमने जो है, हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि जो इस बीच लॉकडाउन के बीच जो जो मेहनत कर रहा है, हम उसकी हौसला ज़रूर बढ़ाएंगे हमारे चैनलों के जरिए से, और उन व्यूवर्स से, उन जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे भी हम यही बात कहेंगे कि वो भी हौसला बढ़ाए ऐसे लोगों को जो इस लॉकडाउन के बीच में अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे, और इसी के साथ हम आपसे और भी बात करेंगे जो है, सालम भाई, जिस तरह से अब जो है 1 महीना गुजर गया लॉकडाउन का, धीरे धीरे 3-4 बार लॉकडाउन बढ़ते गया और अब जो है 3 मई तक है, उसके आगे भी बढ़ने वाला है ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब अभी कुछ ही दिन बचे हैं, इसमें जो है लोगों को किस तरह से तकलीफें आ रही वो तो है ही है, आपको आप सिर्फ समझ सकते हैं। लेकिन इस बीच जो मतलब रोजेदार हैं वो कैसे रोजे रहेंगे? एक तो ये टेंशन लॉकडाउन का, दूसरा टेंशन उन्हें रोज़ा रखने का, ये पवित्र महीना मुस्लिम समाज का है, और ऐसे में उनको किस तरह से आप जो है मुहैया कराएंगे, जो सामग्री है वो किस तरह से पहुंचाएंगे लोगों तक? मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरे मुमरा तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपके वार्डों में किस तरह से ध्यान देंगे? देखिए, मैं जहां तक क्या मेरी ये कोशिश है कि जो मेरे यहां गरीब लोग हैं या जिनके पास अफ्तारी का बंदोबस्त नहीं है, तो 100-150 लोगों का ऐसा मैंने किया हूँ, एक जगह से मुझे अफ्तारी के लिए मिला है, वो 150 परिवार को मैं ले आके दूंगा अफ्तार, जिनके लिए कोई चीज़ जिनके पास कुछ नहीं, तो वो उसके अंदर फ्राई रहेगा, सब आइटम भजिया रहेगी, चावल वगैरह रहेंगे, हर आइटम मिला के अफ्तारी का वो 150 किट में आज से बांटने वाला हूँ इंशाल्लाह। और हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये भेजा है मुझे, तो वो मैं इंशाल्लाह करने वाला। और रहा सवाल कि आज जो हालात है, देखो आज हालात इस कदर नीचे आ गई है कि जो नौकरी करने वाला आदमी था वो भी आज बैठा हुआ है, रिक्शा चलाने वाला उसका तो कारोबार बंद ही है। अब जो गरीब बेचारे थे जो नौकरी करते थे, उनके पास भी नौकरी ना होने की वजह से वो भी आज परेशान है। और उसमें मुझसे जितना हो सके अल्लाह ताला मुझसे इसमें काम ले रहा है, और मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझको इसमें कुछ काम लेवे, मैं गरीबों तक जिन तक जिससे हो सके मुझसे, एक घर, 2 घर, 4 घर, उन तक मैं ज़रूरतमंद तक पहुँचूँ, और उनकी ज़रूरत पर उनको वो अफ्तार कराऊँ या सहरी कराऊँ, ये अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझसे ये काम करा ले। शाह आलम आजमी साहब से बात की, ये MIM से नगर सेवक हैं, और ऐसे में जो है जबकि इनके ऊपर किसी तरह का किसी का हाथ नहीं है, फिलहाल जो है जिस तरह से ये काम कर रहे हैं इनके काम को सलाम है, और इसी तरह से शाह आलम आजमी साहब का हौसला जो है आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि ये जिस तरह से काम कर रहे हैं कोई सपोर्ट ना होते हुए वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अपने वार्डों में ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर वो चारों नगर सेवक एक साथ होते एक पैनल में, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ से लेकर रसीद कंपाउंड से लेकर सिल फाटा तक पूरा ये वार्ड जो है सभी लोगों तक राशन पहुँचता, सभी लोगों को जो है सुविधाएं मिलती थी। और लेकिन बहरहाल शाह आलम आजमी साहब ने कहा जिस तरह से कि हम फ़ोटो नहीं खिंचाते हैं, हम राशन जो देते हैं वो दिल से देते हैं, तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उनकी बातों को आपने सुना। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।